स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लर्निंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रही हूँ। आप तमाम स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को लर्न तो करते हैं, बट जब लिखने बैठते हैं तो भूल जाते हैं, उसके मैक्सिमम पार्ट्स आप भूल जाते हैं। तो आप देखो, उसको पॉइंट में डिवाइड करना होता है। कोई भी क्वेश्चन जिसको आप लर्न करने जा रहे हो उसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड करो। फर्स्ट, क्वेश्चन एंड आंसर्स बोथ, दोनों को आप अच्छे से समझो, अंडरस्टैंड करो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आंसर, हर क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है, इसलिए क्वेश्चन को ही समझो कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, कितने पॉइंट्स का हो सकता है, उसकी उसमें कितने वर्ड्स आपको लिखने हैं, हर एक चीज को। हालांकि कंडीशन तो आपको दिया होता है कि आपको 30 वर्ड्स में, 100 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में, 200 वर्ड्स में क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो जनरली कंडीशन बेस्ड आप क्वेश्चंस तैयार करते हो, ठीक है। क्वेश्चंस देख लिया आपने, आंसर्स देख लिया, अब अंडरस्टैंड करो उसको, समझो अच्छे से क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर्स क्या है, पहले समझ लो। जब वो समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है, फिर उसको लर्न करो, अच्छे से लर्न करो, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, जितने टाइम में वो लर्न हो सके उसको लर्न करो। लेकिन ये प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं होता है, आपने क्वेश्चन को समझ लिया है, आपने क्वेश्चन को लर्न कर लिया है, लास्ट पॉइंट भी जरूर करो। तुरंत ही कॉपी पेन लेकर के जो क्वेश्चन आंसर आपने लर्न किया है उसको जस्ट राइट करो। जैसे ही आपकी राइटिंग कंप्लीट होती है, वो क्वेश्चन आंसर आपके माइंड में सेट हो जाता है एक लंबे समय के लिए, एक लॉन्ग टाइम के लिए। एक प्रैक्टिस है, आप इसको फॉलो करो और जो भी आप लर्न करोगे वो लंबे समय तक आपकी मेमोरी में रहेगी और आप सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू।